नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन की मूवी शैतान के बारे में, क्योंकि शैतान मूवी का ट्रेलर जिस हिसाब से सुपर डुपर हिट हुआ है, इसको देख करके तो यही लग रहा है कि ये मूवी आने वाले समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें IMDb रेटिंग पे, तो वहाँ पे इस मूवी ने जो बवाल जो धमाल काट के रखा हुआ है और जिस हिसाब से इस मूवी की हाइप बनी हुई है, इसको देख करके तो यही लग रहा है कि मेकर्स इस मूवी की एडवांस बुकिंग बहुत ही जल्द चालू करने वाले हैं। और देखा जाए दोस्तों इस मूवी का अब बजट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर हम पैनोरामा स्टूडियो की माने तो उन्होंने ऑफिशियल तौर पर इस मूवी का बजट 50 करोड़ रुपए घोषित कर दिया है। और इतना कम बजट इसलिए है इस मूवी में कि इस मूवी को अजय देवगन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अजय देवगन ने इस मूवी के लिए एक भी पैसा नहीं चार्ज किया, वो सिर्फ इस मूवी से कमीशन लेंगे। ऐसे में इस मूवी का बजट कम होने से जाहिर सी बात है इस मूवी को हिट या सुपर हिट होने के लिए ज़्यादा कमाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मूवी में देखा जाए दोस्तों इसकी शूटिंग भी 35 से 40 दिन के अंदर ही खत्म हो गई थी, और इस मूवी की शूटिंग ज्यादातर सिर्फ एक घर में ही हुई है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है इस मूवी का बजट तो ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं था। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस मूवी की एडवांस बुकिंग के बारे में, तो इस मूवी की एडवांस बुकिंग 2 दिन बाद यानी कि आज 26 फरवरी हो चुकी है, और 1 मार्च से इस मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे ही इस मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी तो हम पल पल अपडेट की भी आपको देते रहेंगे, तो इसीलिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वहीं अगर हम बात करें इस मूवी की हाइप के मामले में, तो देखा जाए दोस्तों ये मूवी IMDb में आप साफ देख सकते हैं स्क्रीन पर कि नंबर 1 पर बनी हुई है, वो 58% के साथ। वहीं जो दूसरे नंबर पर मूवी है वो क्रो है, उस देख लीजिए 9.3%, और तीसरे नंबर पर है बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसका 8.5%। यानी कि शैतान मूवी के आसपास भी कोई भटकता बयान नहीं दिख रहा है। और दोस्तों ऐसे में अब जब तक ये मूवी नहीं रिलीज हो जाएगी तब तक इस मूवी की अब हाइप गिराना या इसकी रेटिंग गिराना किसी भी मूवी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। और बुक माय शो में जो इसका इंटरेस्ट रेट निकल करके सामने आया है वो वाकई में इसी ओर इशारा भी कर रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें तो बुक माय शो इंटरेस्ट में इस मूवी ने 40,000 के आसपास का इंटरेस्ट हासिल कर लिया है। जब तक ये मूवी रिलीज होगी तब तक इसका इंटरेस्ट रेट शायद 1 लाख तक भी पहुंच जाए, और यकीन मानिए दोस्तों ऐसा हो गया तो ये मूवी 5 दिन के ही अंदर अपने बजट को क्रॉस करके हिट का टैग प्राप्त कर सकती है। वहीं दोस्तों मेकर्स के हिसाब से कुछ रिपोर्टें ये भी निकल करके आ रही कि इस मूवी का 1 सॉन्ग अभी और भी आना बाकी है, और हो सकता है कि इस मूवी का जो सॉन्ग है वो 3 से 4 दिन के अंदर रिलीज कर दिया जाए, यानी कि 2 मार्च तक इस मूवी का सॉन्ग रिलीज होगा एक और, और यकीन मानिए वो सॉन्ग लोगों को छू गया तो इस मूवी की हाइप अभी और भी तगड़ी जाने वाली है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है अजय देवगन की मूवी शैतान को लेकर के, कमेंट में हमें जरूर बताना मत भूलिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शैतान मूवी का मैं आपको पर डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ साथ इस मूवी की एडवांस बुकिंग की भी पल पल जानकारी देता रहूँगा, और इस मूवी से जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट निकलती है वो भी मैं आप तक बताने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।